पार्ट वन के स्टार्टिंग में हम इस ड्रामे की फीमेल लीड मुगी को देखते हैं, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती हैं और वो भी बाकी सब गर्ल्स की तरह फोर बॉयज ग्रुप, जिन्हें ऑन जुशी बॉयज भी कहते हैं, उनकी बहुत बड़ी फैन होती हैं। ये चारों बॉयज रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं और इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीते होते हैं और ये हर काम में परफेक्ट भी होते हैं। अभी मुगी और उसकी फ्रेंड्स एक मैगजीन में इनके पोस्टर्स देख रही होती हैं एंड तभी इन्हें पता चलता है कि ये चारों सुपरस्टार बॉयज एक रियलिटी शो करवा रहे हैं और इस शो के थ्रू उन्होंने तीन गर्ल्स को एज अ प्रिंसेस चुनना है। अब मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि फोर बॉयज एंड गर्ल्स थ्री, तो इस बारे में हमें फिलहाल नहीं बताया गया है। अब सारी गर्ल्स उस शो में पार्टिसिपेट करने का सोचती हैं, जिनमें हमारी क्यूट सी मुगी भी शामिल होती है और बाकी गर्ल्स तो इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए इतनी एक्साइटेड होती हैं कि वो तो मुगी को धक्का मार के वहीं पर ही गिरा देती हैं। मुगी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं और उसका ये सपना है कि वो एक रिच मैन से शादी करके अपनी हैप्पी लाइफ गुजारे और फिर नेक्स्ट डे उसे एक मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है कि वो लकी गर्ल्स में एक है जिसे उस रियलिटी शो में जाने का चांस मिल गया है। ये देख कर तो वो बहुत खुश होती हैं और अपनी सारी फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताती हैं। फिर हमें रियलिटी शो के स्टार्ट होने का दिन दिखाया जाता है, जिसमें ऑन जुशी बॉयज भी पहुंच आए होते हैं और ये बॉयज भी अपनी अपनी लाइफ पार्टनर्स चुनने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। इधर हमारी क्यूट सी मुगी भी पहुंच आई होती हैं और वो जब यहाँ पर बाकी गर्ल्स को देखती हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहन कर आई होती हैं, तो तब वो काफ़ी एम्बेरस फील करती हैं कि वो तो एक आम सी ड्रेस में ही यहाँ चली आई थी और बाकी गर्ल्स तो उसका मजाक ही उड़ाने लगती हैं। तो वो बेचारी फिर भाग कर एक साइड पे जाकर खुद को छुपाने की कोशिश करने लगती हैं। उधर ये चारों बॉयज इस शो में आई सारी गर्ल्स को कैमरा में देख रहे होते हैं एंड तभी इनकी नज़र मुगी पे पड़ती हैं, जो इस वक्त बड़े मज़े से उल्टे सीधे मुंह बना के खाना खा रही होती हैं। तो उसकी क्यूट सी हरकतें देखकर तो इन चारों बॉयज की हंसी ही निकल जाती है कि ये कितनी फनी गर्ल है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ये चारों बॉयज भी आ गए होते हैं और इन्होंने अब इन सारी गर्ल्स में से 10 गर्ल्स को चुनना था, तो इसलिए फिर एक बॉय आकर एक गेम खेलता है जिसमें से वो जिस नंबर पर निशाना लगाएगा उसी नंबर वाली लड़की को नेक्स्ट राउंड के लिए चुना जाएगा। इस तरह करते करते 9 गर्ल्स तो पूरी हो जाती हैं, बस अब एक गर्ल बाकी रह जाती है। और इधर मुगी नर्वस होने के साथ साथ अपना नंबर आने के लिए विश भी मांग रही होती है और फिर उसी का नंबर अनाउंस किया जाता है, तो ये देखकर तो वो बहुत खुश हो जाती है एंड तभी एक लड़की जेलिसी के मारे उसे पानी में धक्का दे देती है। अब यहाँ पर हमारी क्यूट सी मुगी को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था, तो वो फिर इधर उधर हाथ मारना स्टार्ट कर देती हैं एंड तभी एक बॉय आकर उसकी हेल्प करता है। और अब मुगी को किसने बचाया था वो फिलहाल हमें नहीं बताया जाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपने साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में वो अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है और फिर वो उस शो को देखने लगती हैं कि आखिर रात को मुगी को बचाया किसने था। मुगी एक सुपरस्टार बॉय जिसका नाम टाइगा था उसकी फैन होती है, तो उसे लग रहा था कि शायद उसी ने मुझे बचाया था, लेकिन वीडियो देखने पर उसे पता चलता है कि उसे किसी दूसरे बॉय जिसका नाम रिकू था उसने बचाया था और उसने तो उसकी सांस बहाल करने के लिए उसे किस भी की थी। ये देखकर तो मुगी काफ़ी सरप्राइज होती है कि उसे एक सुपरस्टार ने किस की थी, चाहे वो जो भी था लेकिन था तो एक सुपरस्टार ही ना। नेक्स्ट डे अब सिलेक्ट हुई हुई गर्ल्स को फिर से शो में बुलवा लिया जाता है और अब इनमें से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाना था। फिर उन्हें थोड़े टाइम के लिए सुपरस्टार से मिलने का मौका भी दिया जाता है। यहाँ पर मुगी रिकू के पास आकर उसे खुद को बचाने के लिए थैंक्स कहती है एंड तभी उसका टाइम ओवर हो जाता है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो तब रिकू उसे कहते हैं कि तुम ये ना सोचना कि रात को मैंने तुम्हें किस की थी, बल्कि वो तो बस CPR था। तो मुगी इस बात से बहुत चिढ़ती है और उसे कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है वो किस
मिस नहीं थी। फिर वो एक और लड़के से मिलती है और यहाँ वो उससे बहुत अच्छे से बात करता है। तो मोगी दिल में सोचती है कि शुक्र है ये उस खड़ूस जैसा बिल्कुल नहीं है। फिर उसका टाइम ओवर हो जाता है। अब जब वो एक और बॉय के पास आती है तो उस वक्त वहाँ पर दो गर्ल्स उससे बातें करने लगती हैं। तो उस बिचारी को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिलता और टाइम ओवर हो जाता है। और फिर वो अपने आइडल टाइगा से मिलती है एंड यहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम लोग आखिर इस शो के थ्रू क्यों अपने लाइफ पार्टनर्स को ढूंढ रहे हो। तो वो उसे बताता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जल्दी शादी करने को कहा है, तो इसलिए अब हम ऐसे किसी को बिना जाने कैसे शादी कर सकते हैं। इसलिए फिर हम एक शो के थ्रू उन लकी गर्ल्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो इस तरह एक दूसरे को जान जाएंगे और शादी कर लेंगे। अब हमारी क्यूट सी मोगी तो बस अपने आइडल के ख्यालों में खो जाती है और हवाओं में उड़ने लगती है। फिर अब सारी गर्ल्स को इन बॉयज से डांस करने का टास्क मिलता है। अब मोगी को तो बिल्कुल भी डांस नहीं आता था, तो जब वो रिकू के साथ मिलकर डांस करने लगती है तो तब फिसल कर ना सिर्फ वो गिरती है बल्कि उसे भी अपने साथ गिराती है। फिर मीना आए उसे अपने साथ डांस करने को कहता है एंड जब वो उसे डांस करना सिखा रहा होता है तो तब हमें फील होता है कि जैसे उस वक्त रिकू को थोड़ी बहुत जेलसी तो जरूर हो रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब उन थ्री गर्ल्स के नेम डिसाइड किए जाने थे, तो यहाँ दो गर्ल्स के नाम जब डिसाइड कर लिए जाते हैं तो तब रिकू जाके तीसरी गर्ल मोगी को सिलेक्ट करने को कहता है। तो सब लोग हैरानगी से उसे देखने लग जाते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। फिर उन लकी गर्ल्स के नेम मेंशन किए जाते हैं जिनमें से एक फ्यूमोनो होती है और दूसरी यू। और जब मोगी का नेम अनाउंस किया जाता है तो वो इस बात से काफी खुश होती है और बाकी की गर्ल्स तो उन्हें बुरा भुला कहती वहां से जाने लगती है। लेकिन उनकी इन बातों से अब इन थ्री प्रिंसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर नेक्स्ट डे मोगी अपने पेरेंट्स के बेस्ट विशेस लेती वहां से जाने लगती है क्योंकि अब नेक्स्ट राउंड में इन थ्री लकी गर्ल्स ने ऑन जुशी बॉयज के साथ रहना था। एंड वहां से जाते हुए वो उम्मीद करती है कि उसे उसका चार्मिंग प्रिंस जरूर मिल जाएगा। एंड फिर हमें पता चलता है कि ना सिर्फ मोगी गरीब फैमिली से है बल्कि यू भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और उसका भी एक रिच मैन से शादी करने का ही सपना है। ये दोनों तो आपस में घुल मिल जाती हैं जबकि फोमिनो काफ़ी एरोगेंट होती है और वो तो इन्हें पुअर कहकर इनकी बहुत इंसल्ट भी करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके साथ साथ सुपर स्टार्स भी उसी प्लेस पर जा रहे होते हैं और रास्ते में ही इनकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है और ये लोग एक साथ मिलकर अपने अपने स्नैक्स भी शेयर करते हैं। यहाँ पर फिर से मोगी टाइगा को देखकर उसी में ही खो जाती है। तो तब टाइगा उससे पूछते हैं कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो, तो वो स्माइल करके कहती है कि कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अपनी प्लेस पर पहुंच गए होते हैं और अब वो लोग जिस घर में रहने वाले थे वो तो एक महल की तरह होता है और यहाँ पर काफ़ी मेड्स वगैरह भी होती हैं। फिर ये लोग जब खाना खाने लगते हैं तो तब अनाउंस किया जाता है कि अब गर्ल्स के टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे। अब इनका सबसे पहला टेस्ट एकेडमिक टेस्ट था। मोगी और यू तो टेस्ट के नाम से ही चिढ़ जाती हैं जबकि फ्यूमेनो तो काफ़ी नॉर्मल दिखाई देती है। अब टेस्ट जिस लैंग्वेज में था वो तो मोगी को बिल्कुल भी नहीं आती थी। उसे यूं परेशान देखकर रिकू उसका मजाक उड़ाता है। इस बात से वो काफ़ी चिढ़ जाती है। अब इस टेस्ट में फ्यूमेनो फर्स्ट आई थी, यू सेकेंड और मोगी थर्ड। नेक्स्ट टेस्ट में इन्हें एक म्यूजिक प्ले करने का कहा जाता है। इसमें यू काफ़ी एक्सपर्ट होती है और उसकी ये एबिलिटी देखकर सब लोग काफ़ी सरप्राइज होते हैं। अब यू फर्स्ट आती है और फ्यूमेनो सेकंड एंड मोगी फिर से थर्ड। फिर बाद में फ्यूमेनो इनसे इस प्लेस पर आने का रीज़न पूछती है तो वो उसे बताती है कि हम तो बस यहाँ पर एक रिच मैन से शादी करके अमीर होने ही आई हैं। जबकि उनके पूछने पर फ्यूमेनो उन्हें अपना मोटिव नहीं बताती। असल में वो टासी की बहुत बड़ी फैन थी इसलिए वो यहाँ पर आई थी, लेकिन वो ये बात इनको नहीं बताती। इन गर्ल्स को अभी ये बात कंफर्म नहीं होती है कि इनकी शादी असल में होनी किससे है। अब जिस सुपरस्टार के साथ इनकी बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसी के साथ ही इनकी शादी भी होगी। खैर, और फिर से फ्यूमेनो इन बिचारियों को गरीब होने का ताना देती है तो इस बात से ये दोनों बहुत चिढ़ जाती हैं और बस फिर इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ ही पार्ट 1 खत्म हो जाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।